दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। कहानी प्राचीन भारत की है, जब बोधि नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। बोधि लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते थे। एक बार की बात है, एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत से ही अपनी और अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि उसकी किस्मत उसका हमेशा साथ नहीं देती थी। चाहे वो कितना भी प्रयास करे, उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। रमेश इस बात से बहुत परेशान था और एक दिन उसने फैसला किया कि वह बोधि के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह सुबह सुबह उठकर बोधि के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह बोधि के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और पूछा, गुरु जी, मैं कितनी भी मेहनत कर लो, मेरी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बोधि मुस्कुराए और रमेश से बोले, पुत्र, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने प्रयासों को छोड़ डाच दें। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से भी प्रभावित होता है। अगर तुम सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से अपने काम को करते रहोगे तो अवश्य ही तुम्हारे भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। बोधि ने रमेश को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान से पूछा कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। विद्वान ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य अपने आप में अपरिवर्तनीय है, लेकिन कर्म से हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। राजा ने इस बात पर विश्वास कर लिया और अपने राज्य में सभी को यह संदेश देने का आदेश दिया कि वे अपने कर्मों में विश्वास रखें और मेहनत करें। कुछ समय बाद राज्य में खुशहाली आ गई और सभी लोग संपन्न हो गए। रमेश ने भी बोधि की बातों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरित होकर अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और वह सुखी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्म और प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और कभी हार न माने तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। भाग्य और कर्म का मिलन ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।